यूपी में चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही सभी पार्टियों ने अपने दाव पेश शुरू कर दिए हैं। इसी श्रृंखला में भाजपा ने युवाओं को जोड़ने के लिए युवा उत्थान कार्यक्रम की शुरुआत गोरखपुर से की, जिसके बाद मुरादाबाद में भी तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय में ईस्ट दिल्ली के सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके साथ नोएडा के विधायक व युवा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंकज सिंह भी मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा उत्थान कार्यक्रम में दोनों अतिथियों का स्वागत युवा मोर्चे के महानगर अध्यक्ष अभिषेक चौबे और जिला अध्यक्ष अरुण पंडित ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नोएडा विधायक पंकज सिंह ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। युवा आज प्रदेश में तरक्की कर रहा है तो ये देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सेवा भाव का नतीजा है। भाजपा की सरकार में प्रदेश ने पिछली सरकारों से 10 गुना तरक्की की है। प्रदेश में कायम गुंडा राज को समाप्त किया गया। आज प्रदेश में योगी सरकार की वजह से लॉ एंड ऑर्डर कायम है। युवा उत्थान कार्यक्रम में युवाओं के सवाल जवाब से संवाद करते हुए कहा कि क्रिकेट मेरा पैशन था और पॉलिटिक्स मेरी जिम्मेदारी है। हर युवा को अगर देश में बदलाव लाना है तो पॉलिटिक्स जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि देश में बदलाव युवा सोच के साथ ही किया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए गौतम गंभीर ने कहा कि जो विकास छोटी सी दिल्ली में नहीं हो पाया वो यूपी की भाजपा सरकार ने कर दिखाया। चाहे वो कोरोना काल में आई आपदा से उभरना हो या प्रदेश में विकास की बात हो, अगर दिल्ली को भी योगी जी जैसा सीएम मिल जाए तो दिल्ली का विकास भी संभव है। उन्होंने कहा कि आज युवा खेलों के प्रति पीछे हटता जा रहा है और आईफोन और सोशल मीडिया की ओर भाग रहा है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि खेलों के प्रति रुझान बढ़ाएं ताकि आपके देश का नाम रोशन हो सके। इस मौके पर TMU यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन, नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, राजेश सिंगल, रामवीर सिंह सहित युवा मोर्चा मुरादाबाद जिला व महानगर के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। और जिसको एकदम सीना ठोक कर हम लोग बिल्कुल पूरे दुनिया के साथ हम शेयर कर सकते हो, वो रास्ता बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। एक बहुत आसान सा रास्ता है इसको समझने के लिए, तो आप सब लोग, और इसीलिए मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स में भी कोई आइए, अपना सुझाव लोगों को दीजिए, और जहां कहीं पर भी हो जाए वो बदलाव करने के लिए हमेशा उसमें आगे आप सब लोग रहा करिए, ये आग्रह मैं करूंगा। इस देश को आजाद कराने के लिए भी जब अगर ना होते सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लेकर, आजाद से लेकर खुदीराम बोस, तो कैसे ये देश आजाद होता। इन सब लोगों ने अपने आप को भारत माता के चरणों में एकदम फूल की तरह वोट मत देना चाहिए, ये मैं हमेशा इस बात को मैं कहता हूं। इसीलिए आप सब लोग भी, मैं आग्रह मैं करना चाहता हूं कि बिल्कुल आना चाहिए, पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ना चाहिए, लोगों को सजेस्ट भी करना चाहिए, और उसको लीड करने के लिए हमेशा आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और ये संकल्प मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोलता हूं, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं यहां से बोल के मैं जा रहा हूं कि एक संकल्प आप सब यूथ को लेना चाहिए। जैसे मोदी जी ने कहा ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वैसे ही एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि गलत जो गलत होगा उसको होने नहीं दूंगा, और जो सही है उसको किसी भी तरीके से रुकने नहीं दूंगा। ये संकल्प आप सब लोगों को भी लेकर, आप सब लोगों को भी लेकर लेना है। मैं अपने पार्टी के बारे में, अब हो सकता है बहुत सारे लोग अलग अलग आइडियोलॉजी में विश्वास करते हो, कोई BJP में हो विश्वास करता हो, कोई दूसरी पार्टी में हो के लीडर से विश्वास करता हो, उनकी आइडियोलॉजी से विश्वास करता हो, लेकिन आप लोग ये देखेंगे तो भाई जब हमारे देश में 370 हटाना हो, 35A हटाना हो, जम्मू कश्मीर में दो झंडे का जो सिस्टम हो उसको खत्म करके सिर्फ एक हमारा तिरंगा आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रहेगा, जब ये करना हो ये कौन करना, जब आतंकवादी सर काट कर हमारे जवानों का ले गए कांग्रेस के सरकार के समय में, तब भी उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनको अपनी बोलते हुए उस पर रिएक्ट करने में 1 वीक 10 दिन का समय लग गया था। लेकिन आज अगर ऐसी कोई भी गलती होती है तो हमारे प्रधानमंत्री जी को भी आप जानते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, और हमेशा आपने देखा कि उसमें हमेशा एक बात उन्होंने बहुत क्लियर कर दी, एक बात बहुत क्लियर उन्होंने कर दी, साहब अगर एक गोली भी अगर पाकिस्तान की तरफ से चलती है तो फिर हमारे जवानों की अब बंदूकें शांत नहीं रहेगी। कितना बड़ा बदलाव ये था। तो ये सारी चीजें पहले देश से कई लोग जब जाते थे बाहर दौरे पर तो हमारे देश का प्रधानमंत्री कहाँ हो कैसे हो कई बार पता नहीं लगता था,
लेकिन आज ये बदलाव तो कम से कम आया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी विश्व के किसी भी बड़े छोटे देश में जाए तो समझ में आ जाता है कि किसी दमदार देश का कोई दमदार मजबूत प्रधानमंत्री आ गया है। ये तो आज ये हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये सब क्षमता हमारे देश में है और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, हमेशा उन्होंने किसी को, कई लोग उसको अलग अलग तरीके से लोग ले सकते हैं, विपक्ष के लोग अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, लेकिन देश की बात जब आए तो उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि सब अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए, अपने पार्टी की बात रखने के लिए सब स्वतंत्र हैं और लोकतंत्र की यही खूबी भी है, सबको अपनी बात कहना भी चाहिए। लोकतंत्र में तो विपक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए। ये अलग बात है कि अब आज विपक्ष एकदम खत्म होता चला जा रहा है, उसकी गलती अब ये कमी हमारी है, अब ये तो विपक्ष के लोगों की अब गलती, उनको मजबूत होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर तय है कि किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, अपनी बात रखते समय एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अपने अपने पार्टी कैंडिडेट की जीत के लिए, पार्टी की जीत के लिए सब कुछ करो, लेकिन मर्यादाओं का हनन नहीं होना चाहिए। और जब देश के ऊपर कोई अगर आंख उठाकर देखे तो सबको अपने पार्टी के झंडे को किनारे करके देश के तिरंगे के नीचे एक साथ खड़े हो जाना चाहिए। इतना तो कम से कम होना चाहिए। और ये इंटेंट अगर कभी किसी ने किसी भी पार्टी की तरफ से दिखा होगा तो मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किससे दिखा है, या हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये इंटेंट दिखा है, तब जाके ये सम्मान अर्जित होता है। तो सम्मान अर्जित करने का पूरा जीवन लगाना पड़ता है। इसीलिए इस बात को आप लोग भी ध्यान रखिए, जो अपनी नाम, अपनी प्रतिष्ठा, इसीलिए पढ़ाई भी हो तो ये कोई जॉब मिल जाए सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये पढ़ाई भी जो होनी चाहिए, आप लोग जो सीख भी यहां से लेकर जाएं, सिर्फ इस बात की कि हमारी सब चीज का आधार कैरेक्टर होना चाहिए, कैरेक्टर ओरिएंटेड हमारी शिक्षा भी होनी चाहिए, ये आप लोग ये लेकर जाइए। भी ज्यादा खुशी मुझे इस चीज की है कि मैं आज इस मंच से देश के और यूपी के सभी युवाओं से जुड़ पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, मेरा एक और मानना रहा है कि देश का युवा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश का युवा ही आगे जाके देश को बदलेगा और देश को बनाएगा। बहुत बार मुझसे ये सवाल पूछा गया था जब मैंने राजनीति में कदम रखा कि क्यों राजनीति क्यों, और मैंने हर बार एक ही चीज बोली कि मैं एसी कमरे में बैठ के या फिर अपने ऑफिस में बैठ के या सिर्फ सोशल मीडिया पे हर चीज के बारे में बोलना नहीं चाहता था, अपनी ओपिनियन रखना नहीं चाहता था, क्योंकि सबसे आसान चीज है कि आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज देश में हो रही हो तो उसके बारे में ट्वीट कर दो या लिख दो या अपने अपनी ओपिनियन बता दो। मेरे लिए भी बहुत आसान था, मेरे घर वालों ने शायद मन, मेरी मदर ने मुझे मना किया, मेरी वाइफ ने मुझे मना किया कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आप पूरी जिंदगी तो हमेशा घर से बाहर रहे हैं। मैं 10 साल की उम्र से जब क्रिकेट खेलना शुरू किया तो बहुत लंबे समय से घर से बाहर रहा, उसके बाद जब मैंने रिटायरमेंट ली तो उसके एक साल बाद मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, और इसका सिर्फ एक कारण था कि मैं जमीन पे उतर के देश को बदलना चाहता था। क्योंकि सोशल मीडिया सेंसेशन बन के या फिर सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने विचार रख के कुछ होगा नहीं। हम कई बार देखते हैं कि कितने लाइक्स आए, कितने रीट्वीट्स हुए, इससे देश नहीं बदलेगा। देश बदलेगा जब हम लोग सच्ची नीयत से इस देश को बदलना चाहेंगे जमीन को उतर के। तो ये एक कारण था कि मैंने राजनीति में कदम रखा। और बहुत लोग ये कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, मेरा मानना है युवा देश का वर्तमान है, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को, आज अगर आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को आगे नहीं रखेंगे तो कल ये देश बदलेगा नहीं। और मेरा राजनीति में कदम रखने का एक और बहुत बड़ा कारण ये था कि मैं युवाओं की आवाज बनना चाहता था। जो राजनीतिक फैसले हैं उनमें युवाओं को ज्यादा भूमिका मिले, उसके लिए मैं राजनीति में आना चाहता था। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में यूपी में कितने काम हुए, कितनी तेजी से यहाँ काम भी हुए और तरक्की भी हुई, और उसके पीछे युवा मुख्यमंत्री का ही हाथ है। योगी जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में यहाँ पर तरक्की करी है, जिस तरीके से चीजें बदली हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है।
आप चाहे कोरोना को देख लीजिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लीजिए, इस देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश है योगी जी ने उसको कोरोना की महामारी में भी सबसे आगे रखा। कई ऐसे भी नेता हैं इस देश में जो दिल्ली जैसे छोटे क्षेत्र को भी नहीं संभाल पाते, और आप सब जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। अगर हम पिछले 5 साल ज्यादा भूमिका मिले उसके लिए मैं राजनीति में आना चाहता था। देखिए हम सब जानते हैं कि पिछले 5 साल में यूपी में कितने काम हुए, कितनी तेजी से यहाँ काम भी हुए और तरक्की भी हुई, और उसके पीछे युवा मुख्यमंत्री का ही हाथ है। योगी जी ने जिस तरीके से पिछले 5 साल में यहाँ पर तरक्की करी है, जिस तरीके से चीज़ें बदली हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बेहतर हुई है। आप चाहे कोरोना को देख लीजिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लीजिए, इस देश का सबसे बड़ा जो प्रदेश है योगी जी ने उसको कोरोना की महामारी में भी सबसे आगे रखा। कई ऐसे भी नेता हैं इस देश में जो दिल्ली जैसे छोटे क्षेत्र को भी नहीं संभाल पाते, और आप सब जानते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो चाहे आप जेवर एयरपोर्ट देख लीजिए, चाहे आप 17 करोड़ वैक्सीनेशन देख लीजिए, चाहे आप मॉडर्न रेल जो अब यूपी में, मेट्रो रेल जो यूपी में शुरू होने जा रही है, 30 मेडिकल कॉलेज, अगर आप इसको एक छोटे से दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो पिछले 6 साल में दिल्ली में ना एक हॉस्पिटल, ना एक कॉलेज, ना एक यूनिवर्सिटी, ना एक जन रसोई, और वैक्सीनेशन पे राजनीति। तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने कितनी प्रगति करी है और दिल्ली कहाँ रह गई है। और मेरा तो उत्तर प्रदेश से वैसे भी बहुत करीबी नाता है, क्योंकि जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ खत्म होती है वहीं से नोएडा शुरू होता है, एक तरफ से गाजियाबाद शुरू होता है। तो जब हम यूपी को देखते हैं तो कई बार हमारे को ऐसे ही लगता है कि काश ऐसे मुख्यमंत्री दिल्ली में भी होते तो शायद आज बच्चों को घर पे बैठ के कि आज 2 साल से बच्चे, मेरे 7 साल की बेटी है, 4 साल की बेटी है, वो 2 साल से घर पे ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, और जब स्कूल खुले तब 1 हफ्ता और छुट्टी हो गई क्योंकि दिल्ली की जो पॉल्यूशन की हालत है उसकी वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से बच्चे सफर कर रहे हैं, बड़े सफर कर रहे हैं, ना साफ पानी है ना साफ हवा है। लेकिन उसके अलावा अगर आप यूपी में देखें तो किस तरीके की प्रगति हुई है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे अरुण जी ने बोला लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और पंकज जी ने भी आपसे ये बात करी थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। कि क्या राजनीति अच्छे लोगों के लिए है? हाँ बिल्कुल है, और तब तक है जब तक आपकी नीयत साफ है, आपकी सोच साफ है, आप देश को अपने से आगे रखेंगे तो। और जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये देश कभी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। क्योंकि हम बहुत आसानी से बात कह सकते हैं कि ये सरकार आई, वो सरकार आई, ये सरकार कुछ नहीं करती, वो सरकार कुछ नहीं करती। आप आइए ना, ये देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को आगे बढ़ाइए। और साथ ही में मैं बहुत बड़ा भाषण दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि आप जितने मुझसे सवाल पूछेंगे, पंकज जी यहाँ पर है, 2 हम युवा लोग यहाँ पर है, तो उतना बेहतर रहेगा। तो आप खुल के अपने सवाल पूछ सकते हैं और कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि जिसके पास कुछ छुपाने को नहीं होता, जिसकी नीयत साफ होती है, वो हर सवाल का सामने से जवाब देता है। तो इसलिए आप खुल के सवाल पूछिए। बाकी आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इतना अच्छा स्वागत किया मेरा, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।